एवरीवन, वेलकम बैक टू आर न्यू व्लॉग। आई होप आप सब ठीक होगे। तो आज का व्लॉग शादी का व्लॉग रहने वाला है, उसमें मैं जो पहनूंगी वो भी आपको देखने को मिलेगा, और कहाँ मैं शादी में जा रही वो भी मैं वहीं आपको जाने के बाद बताऊंगी। तो भाई मेरे को छोड़ने जा रहा है, तो उसके बाद हम वहीं जाके मिलते हैं। तब तक के लिए आप बने रहिए और वहाँ जाके मैं अपना व्लॉग कंटिन्यू करूँगी, और व्लॉग को एंड तक देखा करो। सभी भागवत के व्लॉग अपलोड हो गए, एक बार आप बैक के जिसने नहीं देखे वो प्लीज़ जाकर देखें और अच्छे अच्छे कमेंट करें। गाइस हम पहुंच गए हैं, सभी रेडी हो रहे हैं। मंजू को देखो क्या पहन के खड़ी है। हाँ बाद में ये रेडी हो गई। यहाँ पे डेकोरेशन कर रखी है। ये रिशीतन फाइनली अब सब खाली हुआ है, तो अब हमारी बारी आई है रेडी होने की। और ये सब हो चुके हैं यहाँ पे रेडी कुछ लोग। जो उसमें मैंने तो उसी को दिया था। यार वैसे बहुत ज्यादा कुछ भी बोलने लग जाती है। उतर जो चाल लियो हमने तुझे ने तेरे से सीजन का मतलब बनाया। वाओ डेकोरेशन तो मस्त है ना। यार वो चेयर देखो। हेलो गाइस, तो नेक्स्ट डे मैं अपना व्लॉग कंटिन्यू कर रही हूँ, क्योंकि हम वहाँ रात को बहुत लेट फ्री हुए थे तो वहीं रुके थे, और सुबह सुबह आ गए थे। फिर मैं 9 बजे तक मंजू के घर पे सोई, नींद आ रही थी बहुत तेज। फिर भाई मेरे को लेने आ गया था, अब मैं आ गई हूँ घर पे, और मम्मी की थोड़ी तबीयत खराब है तो मैं कर रही हूँ आज काम किचन में। और भी मैं बना रही हूँ सब्ज़ी, वो किस चीज़ की बना रही हूँ मैं आपको भी व्लॉग में दिखाती हूँ। आज हम बना रहे हैं आलू की सब्ज़ी। बहुत दिन हो गई हमने आलू की सब्ज़ी नहीं खाई है। कल मैंने शादी में तो बहुत सारी चीज़ खाई, बहुत बहुत बहुत। आलू मटर की सब्जी रेडी होने वाली है, बस खुशबू आ रही है सच में। अभी मैं लगा रही हूँ आटा और मम्मी लेटे हुए हैं। हाँ, और ये बातें कर रहे हैं आपस में। गाइस तो खाना वगैरह खा के मैं अब फ्री हुई हूँ और नहा भी ली हूँ,
अब तो कॉलेज भी जाना है, एक हफ्ते से भी ऊपर की छुट्टियां हो गई हैं हमारी। और मैं आपको बता देती हूँ, वहाँ पे मतलब दो भाइयों की शादी थी, शीतल के ताऊ के दो लड़के, उन दोनों की शादी थी और बहुत अच्छा लगा, बहुत ही अच्छी डेकोरेशन थी, वो मैंने आपको व्लॉग में भी दिखाई है। बहुत तेज की भूख लगी हुई थी, हम तो जाते ही खाने पे टूट पड़े, तो व्लॉग में जितना हो सका मैंने आपको दिखाया थोड़ा बहुत खाने का, और वहाँ की डेकोरेशन तो मैंने आपको दिखा दी। और कितनी अच्छी लगी आपको डेकोरेशन, प्लीज़ मेरे को कमेंट करके बताना। और क्या बताना था, तो वहाँ हम रात को काफ़ी लेट हो गए थे, तो मैं वहीं रुकी थी और मंजू एक दिन पहले चली गई थी, मैं तो जा नहीं पाई थी। और फिर हम सुबह आए वहाँ से, हम जल्दी ही निकल लिए थे। फिर मैंने आपको पहले भी बता दिया कि मंजू के घर रुकी मैं, और उसके बाद घर आई, घर आके मम्मी उन्हें बिल्कुल भी नहीं सोने दिया मेरे को, बोले कि बाद में सोचियो। फिर मैं दिन में सोई थी, बहुत देर तक सोई मैं दिन में, फिर मेरी नींद पूरी हो गई। और तो यही बताना था कि बहुत अच्छा लगा शादी में जाके, जब भी हम अपनी फ्रेंड वगैरह के घर में या कोई भी फेस्टिवल हो गया, कोई भी फंक्शन हो गया, घर पे जाते हैं तो बहुत अच्छा लगता है, सभी मिलते हैं। हम शीतल, मैं, मंजू बहुत टाइम बाद मिले हैं तीनों एक साथ। हम गवर्नमेंट स्कूल में मिले थे जहाँ पे हमने प्लस वन और प्लस टू साथ में की थी, तो हमारी बहुत अच्छी बॉन्डिंग है तीनों के बीच में, यही बताना था। और शीतल तो अब मतलब कि नीट की तैयारी कर रही है, वो भी दो तीन दिन की छुट्टी लेके आई थी, शादी अटेंड कर ली, सब मिल लिए, बहुत अच्छा लगा। वो चली गई अपने वहाँ, मैं और मंजू अपने घर आ गए हैं, बहुत अच्छा लगा शादी अटेंड करके। और ब्लॉग को बहुत प्यार दिया करो, भागवत के, कृष्ण वगैरह की सारी ब्लॉग अपलोड हो गए हैं, तो प्लीज़ आप उनको बहुत प्यार देना, लाइक कमेंट शेयर करना, मैं हर ब्लॉग में बोल रही हूँ आपको। और अब कल से तो कॉलेज भी जाना पड़ेगा, क्योंकि काफ़ी टाइम हो गया कॉलेज ना जाए, उसके बाद बोलते हैं नाम कट जाता है, ये हो जाता है, वो हो जाता है, तो वो सब बातें भी माइंड में रखनी है। और एग्ज़ाम भी आने वाले हैं, पिछली बार तो ऑनलाइन हो गई थी, अब की बार पता नहीं क्या होगा। तो ब्लॉग कैसा लगे लाइक कमेंट शेयर करना, और आगे की जो भी एक्टिविटी होगी मैं आपको ब्लॉग में दिखाते रहूँगी। लोगों की तबीयत ख़राब है, देखो बताओ मम्मी ये हो गया है, बुखार हो रहा है, मतलब कि जुखाम भी हो रहा है, तो इसीलिए सारा काम मेरे को करना पड़ रहा है। और मेरी बेटी को अंदर आना है, खुशू को, खुशू आ जा बेटा। ये ना बाहर भैया आए, वो गाड़ी धो रहे थे तो उन्होंने इसको नहला दिया, और नहाते ही मिट्टी में लेट गई, अब दोबारा नहलाऊंगी इसको। ए मोटो, तो अभी मैं फ्री हुई हूँ, मैंने पहले कपड़े वॉश किए, भाभी और के पास गई हुई थी मैं बहुत टाइम, कॉलेज से आने के बाद थोड़ा सा रेस्ट किया, फिर 4:30 बजे के से लेके मैं 6:30 बजे तक भाभी के पास रही हूँ। बहुत सारी बातें की हमने, बहुत दिन मतलब बहुत देर तक मैंने दादी और भाई और के साथ बातें की। फिर मैं आई घर पर, मम्मी के बार बार में फ़ोन आ रहे थे, उसके बाद मैंने कपड़े वॉश किए, दिए लगाए, छोटा मोटा और काम किया है। और अभी मैंने, और अब मैं बनाऊंगी खाना, क्योंकि मैंने आपको ब्लॉग में दिखाया मम्मी की तबीयत ख़राब है, और भाई गया है कैंटीन कुछ सामान लेने। और आशु, आशु ये रही, और ये प्रसाद का वेट कर रही है ना खुशी। तो मैं जब भी दिए लगाती हूँ ना, तो इसको वेट रहता है कि मेरे को कुछ ना कुछ खाने को मिलेगा। तो आज कीर्तन भी है पड़ोस में, देखते हैं कि मम्मी तो जा नहीं पाएगी, क्योंकि व्लॉग में मैंने आपको दिखाया है कि उनको बहुत ज़्यादा कोल्ड कफ और फीवर है, तो पॉसिबल नहीं है, अभी बैठा नहीं रह जाएगा। अगर भाभी जाएंगे तो मैं भी चली जाऊँगी, तो देखते हैं कि क्या कुछ रहने वाला है। अभी मैं करूँगी खाने की तैयारी कि क्या बनाना है, भाई का भी फास्ट है, और आपके बीच में कुछ नया आने वाला है व्लॉग में, मैं भाभी के साथ भी ब्लॉग वगैरह शूट किया करूँगी। तो भाभी की आईडी मैं आपको बता देती हूँ, ritumore95 के नाम से इंस्टाग्राम, तो एक बार आप ज़रूर चेक करना, उनकी रील्स है बहुत अच्छी अच्छी है, मैं मेंशन भी कर दूँगी ब्लॉग में उनकी आईडी को, और स्टोरी भी लगाऊंगी मैं इंस्टाग्राम पे, तो प्लीज़ आप एक बार देखना और उनको फॉलो करना, उनको बहुत ढेर सारा प्यार देना, उनका हौसला बढ़ाना। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ एक बार ज़रूर विजिट करना उनके अकाउंट पर। काम स्टार्ट हो गया है मेरा किचन का, ये है आलू, सारी चीज़ें मैंने कट करके रख ली हैं, ये है टमाटर। आज हम बना रहे हैं चावल, जो कि मैं, मम्मी, आशु और कानू खाएंगे। चावल मेरे बहुत फेवरेट, हफ्ते में 2-3 बार कम से कम मैं बनाती हूँ। चावल रख दिए हैं बनने, सॉरी अभी चावल नहीं रखे हैं, जो भी इसमें सब्जी वगैरह डालनी थी ना, आलू टमाटर मटर, वो मैंने डाल दिए हैं, बस चावल डालने बाकी हैं।
जो मेरे डेली ब्लॉग देखता होगा ना तो उसको पता होगा कि मैं हफ्ते में 2-3 बार चावल ज़रूर खाती हूँ। और किस किस के फेवरेट है प्लीज़ मेरे को कमेंट करके ज़रूर बताना, मेरे को बहुत टेस्टी लगते हैं। और अब की बार जो मैं कट मरवा के आई हूँ ना, यहाँ से थोड़ा लाइट है ना अभी आपको दिख नहीं रहा, यहाँ पे गहरे हैं, तो ये मैंने कट मरवाया है, आपको बहुत अच्छा लगता है। मेरा सारा काम हो गया है, सिर्फ एक रोटी बची है। और आप ये मत सोचना कि इसने लास्ट वाली रोटी दिखाई है, क्योंकि ब्लॉग शूट करने वाला नहीं था, भाई नहा रहा था, मम्मी की तबीयत ख़राब है, पापा बाहर काम कर रहे हैं, तो मेरे को ये ब्लॉग शूट करना पड़ा, साथ के साथ मैं कर नहीं सकती थी, तो इसीलिए मैंने आपको एंड में दिखा दिया है। बस मेरी एक रोटी बची है, पापा को ही खानी थी, हमारे तो क्योंकि चावल है मैंने आपको बता दिया वो भी बन गए हैं, तो फिर हम खाना खा लेते हैं, उसके बाद जाना है सत्संग में, मिलते हैं वहाँ जाके। अब आई है मेरी खाने की बारी, इसमें है लस्सी, ये थे चावल, और मैं आज खाऊंगी हाथ के साथ, क्योंकि मैंने अपने नेल्स कट कर लिए ना, तो छोटे छोटे नेल्स हो गए हैं, अब इनसे मैं खा सकती हूँ, क्योंकि मेरे को हाथ से खाना बहुत ही पसंद है। हम पहुँच गए हैं सत्संग में, और वो रखा केक आज है कानू का बर्थडे, खाना जमाने में खुआ दे भाई। गई ठाक।